Hey guys, this is Deepak here. I welcome you all to Indian Kannadiga YouTube channel. No, I'm not going to teach you guys guitar today. I'll stick to the same topic, teaching Kannada. I am aaj seekhenge Kannada Hindi istemal karke. Aaj aap mere saath repeat kijiyega jo main bataunga. Aap mere saath pronounce karte repeat kijiyega. Yahan par aayega, wo dekhe aap. Repeat kijiyega mere saath. कर्नाटका एक बहुत समृद्ध राज्य है. कर्नाटका एक बहुत समृद्ध राज्य है. कर्नाटका ಒಂದು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. कर्नाटका एक कर्नाटका ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಪೀಟ್ ಕರಿಯ ಮೇರೆ ಸಾಥ್. कर्नाटका ಒಂದು ಬಹುತ್ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಹೈ. ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. क्या आप जानते हैं यहां पे कितने जिले हैं? यहाँ पे जिले हैं 30. कर्नाटका में 30 जिले हैं. कर्नाटका में 30 जिले हैं. कर्नाटका में कर्नाटका दल्ली मेरे साथ रिपीट कीजिए. कर्नाटका दल्ली कर्नाटका दल्ली 30 यानी 30 जिले हैं. जिलेगळिवे 30 जिलेगळिवे. ओके. बेंगलुरु इसका राजधानी है. ये क्या है? बेंगलुरु. It's not Bangalore, it's named to Bengaluru. Bengaluru iska rajdhani hai. Bengaluru Karnataka ka rajdhani hai. Bengaluru Karnataka ka rajdhani hai. Mere sath repeat kijiye. Bengaluru Karnataka da Karnataka ke rajdhani hai. Rajdhani agide. Karnataka sahitya kshetra mein bahut ameer hai. Karnataka साहित्य क्षेत्र में बहुत अमीर है. इट्स वेरी रिच इन लिटरेचर. कर्नाटका इज वेरी रिच इन लिटरेचर. कर्नाटका साहित्य क्षेत्रदल्ली कर्नाटका साहित्य क्षेत्रदल्ली साहित्य क्षेत्र में बहुत अमीर है. तुम्बा श्री बहळ श्रीमंतवागिदे. मेरा राज्य अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. मेरा राज्य कर्नाटका आज तक अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. अगर कन्नड़ा को छोड़ेंगे तो आएगा हिंदी. हिंदी और कन्नड़ा सेम है. बाकी छोड़ेंगे कन्नड़ा का ज्यादा है. कन्नड़ा वाले कन्नड़िगा ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत जीते. मेरा राज्य अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. नन्ना राज्य मेरा राज्य अब तक इल्लियवरेगे 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार 8 ज्ञानपीठ प्रशस्ति गळन्नु गेद्दिदे. जीत चुका है. जीत मतलब गेद्दिदे. जीत चुका है. गेद्दिदे गेद्दागिदे. मेरा राज्य अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. ओके. नेक्स्ट. सात राष्ट्र कवियों में 3 कन्नड़ गाए. आपको आपको पता है 7 राष्ट्र कवि हो चुके हैं अब तक भारत इंडिया में. उसमें 3 लोग कन्नड़ गाए. गोविंद पै कुवेंपु इनबर मगा तिलाशेष जी शिवरुद्रप सौदा. ओके. आप जानते हैं हमारे देश में 7 राष्ट्र कवि हो चुके हैं. वहां उसमें 3 कन्नड़ गाए. 7 राष्ट्र कवियों में 3 कन्नड़ गाए. 7 राष्ट्रीय कविगळल्ली 3 कन्नड़िगरु. 7 राष्ट्रीय कविगळल्ली 3 कन्नड़िगरु. 7 राष्ट्र कवियों में 3 कन्नड़ गाए. ओके. मेरे साथ रिपीट कीजिए. मेरा राज्य अब तक 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. नन्ना राज्य अब तक इल्लियवरेगे 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुका है. 8 ज्ञानपीठ प्रशस्तिगळन्नु गेद्दिदे. 7 राष्ट्र कवियों में 3 कन्नड़ गाए. 7 राष्ट्रीय कविगळल्ली 3 कन्नड़िगरु. कर्नाटक लिपि को लिपियों की रानी मानी जाती है. कन्नड़ा का जो लिपि है कन्नड़ा स्क्रिप्ट यानी अब हिंदी में रहेगा
देवनागरी, देवनागरी लिपि जो हिंदी में कहते हैं, ऐसे ही कन्नड़ा इसको कहते हैं ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, इसको क्या कहते हैं? इट्स स्क्रिप्ट ऑफ लैंग्वेज, मीन क्वीन ऑफ द स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, इट्स कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ द स्क्रिप्ट। कन्नड़ा का लिपियों को लिपियों की रानी मानी जाती है, कन्नड़ा द लिपि वर्णु, कन्नड़ा का लिपियों को लिपियों की रानी, लिपिगळ राणि ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾನ ಜಾತಾ ಹೈ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ರಾಣಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಮತಲಬ್ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಲಿಪಿಯಂ ಕಿ ರಾಣಿ, ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ। ಯಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ, ಈ ಕನ್ನಡ ನೆಯೇ सही तरह से सुन लीजिए, एक कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है, ये कन्नड़ा नहीं है, कन्नड़ा है, कन्नड़ा मतलब डबल ये नहीं है, सिंगल ये, और कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा, कन्नड़ा भी नहीं है, समझ रहे हो ना, कन्नड़ा भी नहीं है, एक कन्नड़ा है, कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है। ये कन्नड़ा बहुत पुराने जमाने का है, बहुत मतलब यानी बहुत ही पुराना, पुरानी लिपियों में, पुराने भाषाओं में माना जाता है कन्नड़ा को तमिल के साथ। यह भाषा बहुत पुराने जमाने के, ये भाषे बहुत पुरातन वाद, बहुत पुराना माना जाता है, बहुत हलेदंत करियलागुते। आइए हम कन्नड़ा सीखें, बनी नावेल्ला कन्नड़ा कलियों। आइए और हम और एक बार ग्लांस करेंगे, हम देखेंगे क्या अब तक हमने क्या कुछ सीखा है। कर्नाटका एक बहुत समृद्ध राज्य है, सॉरी कर्नाटका एक बहुत समृद्ध राज्य है, कर्नाटका वंदु बहुत समृद्ध राज्य भागी दे। यहाँ पर 30 जिले हैं, इल्ली 30 जिले गड़े हैं, बेंगलुरु इसका राजधानी है, बेंगलुरु इधर राजधानी आगे दे। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಮೀರ್ ಹೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ। ಮೇರಾ ರಾಜ್ಯ ಅಬ್ ತಕ್ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೀತ್ ಚುಕಾ ಹೈ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ। 7 ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಯೋ ಮೇ 3 ಕನ್ನಡಿಗ ಹೈ, 7 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕನ್ನಡಿಗರು, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕುವೆಂಪು। ಕನ್ನಡಕ लिपि को, कन्नड़ा के जो लिपि है उसको लिपियों की रानी मानी जाती है, मतलब ये इतनी साइंटिफिकली इतनी स्ट्रांग है, साइंटिफिक आई मीन इट्स वेरी लॉजिकल, स्क्रिप्ट इज वेरी लॉजिकल, यू हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट आई मीन लाइक दे विल नॉट, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज इफ यू लर्न द स्क्रिप्ट ऑफ द लैंग्वेज, इट रीड्स व्हाट इट प्रोनाउंसेस, इट राइट्स मीन व्हाट यू राइट यू कैन रीड द सेम थिंग, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। यह भाषा बहुत पुराने जमाने का है, ये भाषे तुम्बा हड़े जमाने दागिदे, हड़े पुरातन काल दागिदे। आओ हम कन्नड़ा सीखे, आइए हम कन्नड़ा सीखे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग कन्नड़ा एंड कीप सपोर्टिंग द सेम वे यू आर सपोर्टिंग। प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, प्लीज give me feedback, so that's what I do the videos for that. If you leave feedback and if you give me the request, that is what boost for me, that boost my enthusiasm. Please giving feedback, please giving hit like share and subscribe. Sabka bhala ho, sat sri akal, assalam alaikum, jai mata di, jai hind. Okay, thank you so much.